हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूर्य और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करने वाला हूं बिग बॉस मैड के बारे में। टॉप थ्री में स्मिता गोंडकर जरूर गई, लेकिन आखिरकार उन्हें एलिमिनेट होना पड़ा। यहां पर एक चीज जरूर रखी थी, एक नया ट्विस्ट रखा था महेश मांजरेकर ने रखा था करीबन 6,18,000 का प्राइज मनी, और कहा था कि जो कोई चाहता है तुरंत शो से निकल जाने के लिए ये पैसे लेके जा सकता है, या तो फिर टॉप थ्री में रहेगा तो वोट अगर कम रहेंगे इसमें से, अगर वो बंदा टॉप टू में आता तो उसे बिना पैसे के जाना पड़ेगा। तो यहां पर पुष्कर पहले तो मेघा को सेव कर दिया था, उसके बाद पुष्कर और स्मिता गोंडकर के ऊपर ये मामला था, लेकिन दोनों ने पैसे नहीं लिए। उन्होंने साफ कहा कि हम ये जीतने के लिए आए शो, तो उन्होंने पूरे वो उस पैसे को ठुकरा दिया, और एट द एंड हमने देखा कि स्मिता गोंडकर को एलिमिनेट होना पड़ा, यानी कि टॉप टू में पहुंच चुके हैं पुष्कर जोग और मेघा धाड़े। कौन जीतेगा सबसे बड़ा सवाल है, क्या लगता है आपको कौन सी ट्रॉफी लेके जाएगा? लेकिन हाँ, यहाँ पे स्मिता गोंडकर ने गेम अच्छा खेला, विदाउट किसी के दबाव में आते हुए किसी के साइड ना लेते उन्होंने गेम अच्छा खेला, और सबने उनकी तारीफ की, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए फिलहाल इतना ही।